बड़ी खबर, पंजाब के तरन तारण में आतंकियों से लोहा लेने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारे अब भी फरार हैं। एफआईटी की चार टीमें हथियारों की तलाश में जुटी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। शुक्रवार सुबह दो अज्ञात लोगों ने बलविंदर के घर में घुसकर उनको चार गोलियां मारी। दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में हत्या के आरोपी बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागते भी नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने बलविंदर सिंह को सिक्योरिटी दी हुई थी और इसी साल मार्च में उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया था। बलविंदर सिंह ने 1990 में आतंकियों से बहादुरी से मुकाबला किया था। आतंकी हमले को नाकाम करने पर सरकार ने उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा था। परिवार का आरोप है कि बलविंदर सिंह की सुरक्षा हटा दी गई थी। बलविंदर सिंह ने पंजाब पुलिस को कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब बलविंदर सिंह का मर्डर हो गया है, तो पंजाब सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बना दी है। एसआईटी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए चार स्पेशल टीम बनाई है।